enlightenment of our mind. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को? रेट का मतलब समझ रहे हैं, अमाउंट से नहीं है, कितना खाना बना, कितना भोजन बना प्रकाश संश्लेषण में, इसका मतलब ये नहीं है। एक यूनिट टाइम में कितना फूड बना, रेट का मतलब समझते हैं दर। यूनिट टाइम में किसी एक पर्टिकुलर समय में कितना फूड बना वो क्या है, रेट है। उसका मतलब एज यूजल अमाउंट से नहीं होता है। एक फोटोसिंथेसिस के रेट को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो दो प्रकार के हैं। देखिए पहला होता है इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स आंतरिक कारक, और दूसरा क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये कारक कौन से हैं? बाहरी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं इनको, और क्या बोल सकते हैं एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या एक्सटर्नल को हम लोग क्या कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक, क्या बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी, ये है इंट्रिंसिक। ये जो फैक्टर है पौधे से संबंधित है, किससे संबंधित है पौधे से, इंटरनल है, ठीक है, रिलेटेड टू द प्लांट, रिलेटेड टू प्लांट। और ये वाले फैक्टर किससे संबंधित होंगे, वातावरण से, बाहरी वातावरण से। इसलिए मैंने लिखा भी है ये क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पौधे से संबंधित है और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे। कंसंट्रेशन कौन कौन सा फैक्टर है, प्लांट में कितना लीफ है, नंबर ऑफ लीफ, ठीक है, नंबर ऑफ लीफ, नंबर के साथ साथ में साइज ऑफ लीफ। अगर लीफ का साइज बड़ा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ज्यादा फ्रूट बनेगा। किसी पौधे में ज्यादा पत्तियां हैं तो फोटोसिंथेसिस की दर ज्यादा होगा, ठीक है। एज ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ, अगर लीफ का एज बहुत कम है तो पत्ती छोटा होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा कम। लीफ की एज थोड़ा सा मॉडरेट है, मिडिल एज है तो ज्यादा, और बहुत ज्यादा ओल्ड एज है लीफ की तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, समझ में, क्योंकि क्लोरोफिल धीरे धीरे कम होने लगता है। ये हो गया। अगला है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन का मतलब ओरिएंटेशन ऑफ लीफ कैसे प्रभावित करता है लीफ, देखिए होने दीजिए जो हुआ इधर देखिए, ओरिएंट इधर देखो। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये सनलाइट ऊपर से आ रही है, अगर लीफ ऐसे है तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, क्योंकि लीफ सनलाइट ऐसे और ऐसे निकल जाएगा, लीफ पर फॉल नहीं होगा। ऐसे अगर ओरिएंटेशन है तो लीफ की सतह पर सनलाइट ज्यादा गिरेगी, समझ में आया। तो ओरिएंटेशन भी मायने रखता है कि और लीफ के ओरिएंटेशन झुकाव कैसा है, लीफ ऐसे है ऐसे, ठीक है, तो जितना ज्यादा सनलाइट गेन करेगा उतने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा। वो अपना सेंसिटिव हो के सेप उचित प्रकार से ढाल देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले। हाँ, तो प्लांट का जेनेटिक मेकअप होता है ना कि आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है उसका ओरिएंटेशन ऐसा होता है और डॉर्सोवेंट्रल लीफ का ओरिएंटेशन ऐसा होता है, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, अमाउंट, नंबर ऑफ नीडोफिल सेल, नंबर ऑफ नीडोफिल सेल, पौधे में नीडोफिल सेल की संख्या कितनी है, अगर ज्यादा नीडोफिल सेल है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, कितना क्लोरोफिल है, और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संख्या एक नीडोफिल सेल में कितनी है, एक नीडोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ही क्लोरोफिल ज्यादा होगा, समझ रहे ना। जितना ज्यादा नीडोफिल सेल होंगे, जैसे मान लीजिए नीडोफिल सेल है, इनकी संख्या ज्यादा तो
क्लोरेटर फोटोसिंथेसिस फास्ट। मेजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस फास्ट हो जाएगी, और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो क्लोरोफिल भी ज्यादा होगा। ठीक है, इतने फैक्टर्स होंगे। अब ये जो एक लाइन ग्रुप में लिखी गई है, ये जितने भी फैक्टर हैं ये इंटरनल फैक्टर, इसको आप कहते हैं ये प्लांट से संबंधित। ये डिसाइड कौन करता है कि पौधे में कितनी लीफ आएगी? ठीक है, लीफ का साइज कितना बड़ा होगा? जैसे हमारी ह्यूमन में हाइट बड़ी होगी कि छोटी होगी, ये कैसे डिसाइड होता है? ये जेनेटिक मेकअप है, जीन से डिसाइड होता है। जितने भी फैक्टर ये दिखाई दे रहे हैं आपको कि क्लोरोफिल कम रहेगा ज़्यादा, क्लोरोप्लास्ट की संख्या कम या ज़्यादा, ये जेनेटिक मेकअप से डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर जितने भी हैं ये डिसाइडेड बाय जेनेटिक मेकअप। मतलब जीन से डिसाइड होता है। कैसे उसका जेनेटिक मेकअप अच्छा जीन है तो ये बहुत सारे लीफ होंगी, साइज ऑफ भी बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, एक चीज और, ग्रोथ से भी डिसाइड होता है। मान लीजिए जीन खराब है, ठीक है, बोलते नहीं कि जीन अच्छा नहीं है, अच्छा खा पी लेंगे हो सकता है खराब जीन होने के बावजूद भी बॉडी में ग्रोथ अच्छी हो जाती है, समझ में आया? तो अगर मान लीजिए किसी पौधे का जीन बहुत अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा जीन है लेकिन आपने पौधे को न्यूट्रिशन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, सॉइल अच्छी नहीं है, तो क्या वो ग्रो कर जाएगा? आपका लाख अच्छा जीन है, आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो क्या आपकी बॉडी में ग्रोथ हो जाएगा? नहीं होगा। तो साथ में एक फैक्टर और होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ पर भी ये डिपेंड करता है पौधे में ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो ये सारे चीजें क्या होंगे? फैक्टर अंदर CO2 कंसंट्रेशन है। हाँ, CO2 कंसंट्रेशन वो अलग चीज है, वो CO2 का, हाँ CO2 कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं। अगला तीसरा है CO2, वो यहाँ पर लिखा जाएगा CO2 कंसंट्रेशन इन लीफ। लीफ में CO2 का कंसंट्रेशन कितना है? अगर लीफ में, क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर ज्यादा CO2 है तो लीफ में भी तो ज्यादा जाएगी, तो लीफ में ज्यादा CO2 रहेगी तो C3 प्लांट को कोई समस्या नहीं होने वाली। C4 तो चूज करके C4 तो कभी समस्या नहीं होगी, लेकिन C3 को भी नहीं होगा क्योंकि CO2 ज्यादा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ लीफ जो है ये वाला फैक्टर ये जीन से डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि CO2 बाहर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फैक्टर आगे देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल टेम्परेचर, पहले लाइट सीक्वेंस लिखते हैं, लाइट हो गया, दूसरा कौन सा है? टेम्परेचर कंसंट्रेशन, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा क्या है? वाटर। इसके अलावा भी होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसा? न्यूट्रिएंट कम रहे, न्यूट्रिएंट कम है तो क्या फोटोसिंथेसिस फास्ट हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, वो इग्नोर कर दिया जाता है कि वो मेजर फैक्टर में नहीं है। ये मेन फैक्टर है जो बुक में लिखे हैं, चार एक्सटर्नल फैक्टर। इसको समझने के पहले लॉ ब्लेंडन लॉ, एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझिए। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, ये ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैक मैजिक साइंटिस्ट बाई ब्लैकमैन। लिमिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, ठीक है, लिमिट कर देना, काम करने से उसको बंद कर देना, समझ रहे ना? लिमिट लेकिन यहाँ तक लिख लीजिए तब साथ में समझिएगा, नहीं तो आप लिखते रहेंगे समझाते रहेंगे आगे। थोड़ा फास्ट लिखिए, ठीक है, रफ में लिखा करिए, फास्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। लिखा तो बुक में सब लिखा ही हुआ है। लिमिटिंग फैक्टर का मीनिंग, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ऐसा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर सकता है, बंद कर सकता है, कम कर सकता है। उसके लिए ब्लैकमैन ने नियम दिया था, अगर कोई भी प्रोसेस, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्योंकि बुक में ऐसे लिखा नहीं है, इफ ए केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर्स देन द रेट ऑफ फोटो देन द रेट ऑफ दैट प्रोसेस इज अफेक्टेड मोस्ट बाई द दैट फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट कंसंट्रेशन। मतलब क्या है इसका? अगर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में या पौधों में केमिकल प्रोसेस चलते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म।
मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है। कोई भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है उसको एक से ज़्यादा फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, तो वो केमिकल प्रोसेस सबसे ज़्यादा किस फैक्टर से प्रभावित होगा? जैसे मान लीजिए ए से बी एक रिएक्शन चल रही है, एक रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को फैक्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चार फैक्टर इसको प्रभावित कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो इस चारों में से ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हो, सबसे कम जो सबसे कम कंसेंट्रेशन में होगा, लीस्ट कंसेंट्रेशन जो होगा, जो सबसे कम कंसेंट्रेशन मौजूद रहेगा उसी की अनुपस्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। जैसे क्लासरूम का रिजल्ट जो होता है, बच्चा जो बच्चा सबसे ख़राब होता है वो पूरे क्लासरूम की परफॉर्मेंस को कौन ख़राब करेगा? जो बच्चा सबसे कमज़ोर होगा वही तो पूरे क्लास का रिजल्ट जो है डिस्टर्ब करेगा, समझ रहे ना? तो जो फैक्टर सबसे कम रहेगा वही उस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कराएगा। ठीक, यही लॉ क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ब्लैक ने दिया। अब एक एकल प्रश्न है, लाइट एक फैक्टर है, लाइट जो होती है वो कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है? तो लाइट में कई चीज़ें होती हैं, लाइट में लाइट का क्वालिटी होता है, और लाइट का क्वालिटी क्वालिटी हो गया, उसके बाद लाइट का इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। बुक में पढ़िएगा लिखा है कि लाइट में तीन चीज़ें होती हैं, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की क्वालिटी और लाइट का इंटेंसिटी। ठीक है, तीनों को समझ लीजिए। लाइट का क्वालिटी का मतलब समझते हैं वेवलेंथ, क्वालिटी का मतलब क्या होता है वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की लाइट ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ग्रीन अगर रेड और वायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। ग्रीन से कोई लेना देना नहीं, ग्रीन में सबसे कम या ना के बराबर फोटोसिंथेसिस होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग टाइप फूड बनता है। तो वेवलेंथ की मायने क्या चीज़ है, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, क्या होता है इसका मतलब ब्राइटनेस। अगर लाइट बहुत तेज है, सुबह के समय लाइट धीमी होती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्लो होता है, और दोपहर 12 बजे के समय धूप बहुत तेज हो जाती है तो फिर कम होता है। तो ज़्यादा कब होता है, बीच के टाइम पर 10 बजे के आसपास, ना तो धूप बहुत तेज होती है ना बहुत कम। ठीक है, क्योंकि अगर वेरी लो, नाम लिख रहा हूँ, वेरी लो लाइट इंटेंसिटी है, अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या है तो बहुत कम है, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्यों घट जाएगी तो बताएगा, रंग से ज़्यादा मतलब, हाँ स्टोमेटा सुबह के समय पूरी तरीके से खुलते नहीं है, बात सही है कि लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, स्टोमेटा पूरी तरीके से नहीं खुले रहेंगे। एक चीज़ और होता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट ही नहीं करेगा, बीच लाइट चाहिए, अगर बहुत धीमी लाइट है तो क्लोरोफिल एक्साइट प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वेरी हाई, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया इंटेंसिटी तो क्या होगा, तभी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम, उसका कारण क्लोरोफिल फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब होने लगेगा, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल फोटो ऑक्सीडाइज आने के लिए इस कंडीशन में क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए स्टोमेटा एकदम ऊपर में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वाटर लॉस कम करने के लिए, और यहाँ क्लोरोफिल एक्साइट नहीं होगा, क्लोरोफिल नॉट एक्साइट, और स्टोमेटा नहीं खुलेगा प्रॉपरली। तो इंटेंसिटी हो गया, क्वालिटी का तो आपको पता ही है कि रेड और वायलेट में सबसे ज़्यादा फूड बनेगा। एक फैक्टर और होता है लाइट में, लाइट का ड्यूरेशन। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, उसमें लिखा रहेगा लाइट क्वालिटी, लाइट ड्यूरेशन, टेम्परेचर, लाइट का क्वालिटी। मैंने फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझे क्वेश्चन, कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है लाइट का क्वालिटी, तो क्वालिटी तो प्रभावित करता है, दूसरा है लाइट का इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रभावित करता है, तीसरा है टेम्परेचर जो हम आगे पढ़ेंगे, और चौथा है लाइट का ड्यूरेशन। बताइए कौन सा इसमें से फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करेगा? हाँ, ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन कभी नहीं करता, पहले समझ बुक में, लेकिन आप देखेंगे तो लिखा ड्यूरेशन, वो क्यों लिखा समझ। उसने लिखा है, शुरुआत में ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है कि लाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लाइट में हम लोग लाइट की इंटेंसिटी पढ़ते हैं, लाइट का क्वालिटी पढ़ते हैं, और लाइट का ड्यूरेशन भी होता है। ये लाइट से संबंधित फैक्टर है, लेकिन फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने के लिए ड्यूरेशन का कोई मतलब नहीं है, ड्यूरेशन का कोई मतलब नहीं, समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड बन रहा है, एक घंटे तक लाइट पड़ा, फिर चार घंटे तक लाइट पड़ा, तो क्या चार घंटे तक लाइट पड़ेगी तो ज़्यादा फूड बन जाएगा? फूड तो ज़्यादा बनेगा ना, फूड ज़्यादा बनेगा, जाहिर सी बात है। एक घंटा लाइट पड़ रही है प्लांट पर, कम फूड बनेगा, चार घंटा लाइट पड़ रही है ज़्यादा बनेगा, लेकिन रेट तो सामान्य रहेगा ना, स्पीड तो वही है। चाहे एक किलोमीटर गाड़ी चला रहो 60 की स्पीड से, 50 किलोमीटर 60 की स्पीड से गाड़ी चला लीजिए, स्पीड तो आपकी 60 ही रह गई ना, स्पीड तो 60 किलोमीटर बढ़ गया आपका, चार घंटे आपने बाइक चलाया, किलोमीटर बढ़ गया आपका, ठीक है, टाइम भी तो बढ़ा साथ में, रेट तो वही रहेगा ना। तो लाइट का ड्यूरेशन रेट को अफेक्ट नहीं करता है, दर को प्रभावित नहीं करेगा, केवल वो अमाउंट प्रभावित करेगा, खाना ज़्यादा बनेगा, समझ रहे हैं। तो अगर कहा जाए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ड्यूरेशन नहीं होता उसमें। हाँ, ड्यूरेशन है, लाइट का एक फैक्टर है, लाइट में ड्यूरेशन मायने रखता है। जानते हैं ड्यूरेशन, आप पढ़ेंगे पौधों में फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे ए न्यूट्रल। अगर कोई पौधा ऐसा है जिसको ज़्यादा देर तक धूप चाहिए और आपने उसको कम देर तक धूप दे दिया तो फूल नहीं बनेगा, वो फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है लाइट का ड्यूरेशन, फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित नहीं करता। ठीक, ये फैक्टर समझ में आ गया। आगे एक चीज लिखा क्या होगा इसमें, पढ़िएगा कि अगर C3 प्लांट है और C4 प्लांट है, अगर इंटेंसिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी लो है, अगर इंटेंसिटी कम है, तीव्रता कम है लाइट की, तो C3 और C4 दोनों में फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अरे लाइट खाना ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, लाइट ही नहीं मिलेगी तो चाहे C3 हो चाहे C4 हो, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखा गया है C3 और C4 दोनों में इंटेंसिटी अगर कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, लो हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, वो क्यों लिखा गया, लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ जाता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इतना भी ना बढ़ जाए कि बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ना तो C3 में फोटोसिंथेसिस करेंगे ना C4 में, बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर वो इंक्रीज करेगा तो आप देखेंगे, अब बताइए यहाँ से C3 में फूड फॉर्मेशन बढ़ेगा कि C4 में बढ़ेगा, दोनों के साथ क्या होगा अगर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ गया तो? अफेक्ट C3 को आएगा, क्योंकि C3 जो है हाई टेम्परेचर होने पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, आपने पढ़ा है। हाई लाइट इंटेंसिटी पर C3 में फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन C4 चूँकि हाई लाइट इंटेंसिटी पर हाई टेम्परेचर पर ग्रो ही करते हैं, उनको समस्या नहीं आती है, समझ रहे हैं ना। तो C3 अफेक्टेड होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पर C3 क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, अफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि उसके क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और C4 को समस्या नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, लिख सकते हैं C4 नो प्रॉब्लम, उसको समस्या नहीं होगी, ठीक है, C4 को कोई समस्या, बहुत ज़्यादा लाइट दोनों को समस्या हो जाएगी। तो ये लाइट्स के संबंधित फैक्टर हो गया है। देखिए एफिनिटी तो जो है, अगर दोनों की बराबर है तो बराबर होती है, और CO2 के लिए ज़्यादा होती है वैसे तो, लेकिन CO2 अगर जो जस्ट थोड़ा सा ही कम हो जाएगी, CO2 अगर कम होने लगेगी तो फिर एफिनिटी O2 के लिए बढ़ जाती है, समझ रहे हैं ना। ये चीज अगला फैक्टर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड 0.9
0.04%, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको लगता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, लेकिन पौधे के लिए अभी भी कम है, प्लांट के लिए कम मानी जाती है, ठीक है। तो कितनी कंसेंट्रेशन होती है, अगर CO2 की कंसेंट्रेशन मोर देन, मतलब एक लिखेंगे कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती है, इंक्रीज कहाँ तक, 0.05% तक आपको इंक्रीज कर जाती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद, इसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा, 0.05 के बाद नहीं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इससे ऊपर निकल गई तो आप बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे एबव, एबव 0.05% फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, बताइए किसी को। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगा और प्लांट में एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट, और एंजाइम काम नहीं करेंगे, H2CO3 बनेगा, वो ब्रेक करेगा H+ SCO3-। इसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी। आप देखिए जो C3 प्लांट होते हैं और C3 प्लांट में CO2 का जो सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन वो कितना होता है, 360 पर, बियॉन्ड है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, और C4 का CO2 सैचुरेशन है एट 360 माइक्रोलीटर पर मिनट। डाटा याद कर लीजिएगा, ये आता है, मतलब जैसे हमारा खाना कितने, हमारा पेट कितने खाने में भर जाएगा, तो वही से समझिए C3 को कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो इसका काम चल जाएगा। तो 450 माइक्रोलीटर, 1 लीटर अगर गैस का वॉल्यूम है, सारी गैस का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, उसमें अगर 450 माइक्रोलीटर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है तो C3 का काम चल जाएगा। बियॉन्ड का मतलब 450 से ज़्यादा चाहिए, अगर 450 माइक्रोलीटर से कम CO2 मिल रही है तो C3 फोटो रेस्पिरेशन चालू कर देंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन C4 में समस्या नहीं है, C4 को अगर 360 माइक्रोलीटर भी मिल जाए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस काफी फोटोसिंथेसिस कर लिया जाए, बताया था मैंने ये चीज सर, समझ रहे हैं। डाटा याद कर ऑक्सीजन से बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लाइन बुक में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, बताइए कुछ और लिखा हुआ है CO2 को लेकर के, और कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा अगर कुछ लिखा होगा। अगला है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैसे फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम काइनेटिक्स एंजाइम के काम करने की क्षमता को डिस्टर्ब कर देता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे, और टेम्परेचर लो है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो सीधे वो किस पर वार करता है, एंजाइम पर जा करके एंजाइम के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। जैसे आपको पता होगा C3 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमा समझते हैं, मतलब जिस पर C3 प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना होता है, 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C4 का थोड़ा सा ज्यादा होता है टेम्परेचर, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इतना जाता है, 35 से 40। यही है ना, यही है। तो केवल एंजाइम काइनेटिक्स को अपडेट करते हैं, ठीक। अगला देखिए, और समझना है, क्वेश्चन आता है कौन सा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, सबसे ज्यादा मेन लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा चारों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मोस्ट अबंडेंट लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, ज्यादातर केस में वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। CO2 इज मेन लिमिटिंग फैक्टर, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? CO2। क्यों ऐसा है? क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा CO2 नहीं है। जानते ही हैं जैसे CO2 कम होने लगती है C3 को समस्या होने लगती है, ठीक है? और ज्यादातर प्लांट कौन से हैं? C3 हैं। तो इसलिए मेन लिमिटिंग फैक्टर CO2 है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करेगा फोटोसिंथेसिस को? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन वातावरण में कम होने लगती है। समझ में आ रहा है ना? कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रेयरली फंक्शन एज द लिमिटिंग फैक्टर, शायद कभी लिमिटिंग फैक्टर का काम करता होगा? लाइट। लाइट रेयरली फंक्शन एज द लिमिटिंग फैक्टर। लाइट रेयरली फंक्शन एज लिमिटिंग फैक्टर। दोनों समझ रहे हैं ना? कार्बन डाइऑक्साइड जनरली लिमिटिंग फैक्टर का काम कर देती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। लाइट कभी कम नहीं होती है। क्या लाइट कभी कम हो सकती है? ठीक है, लाइट जनरली जो है रेयरली फंक्शन, बहुत कभी कभी रेयरली जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। कब करेगी वो समझ लीजिए। यहाँ लिख रहा हूँ व्हेन लिमिटिंग। बताइए लाइट कब लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा? लाइट कब लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा? जब मौसम क्लाउडी हो जाए। दो जगह है दो केस के बाद। व्हेन क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट कब लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी, तो इसमें आप पहला लिखेंगे इसमें क्लाउडी वेदर। अगर मौसम बदरी वाला है, बादल है, क्लाउडी है, ठीक है, और इतना क्लाउडी कि थोड़ा ऐसा क्लाउडी हो जाए कि अंधेरा छा जाए, ठीक है। और दूसरा होता है डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल। डेंस अगर जंगल घना है उसमें जो नीचे के प्लांट होते हैं उनको लाइट नहीं मिलती है ज़्यादा, हाँ, इसलिए वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, वहाँ लिमिटिंग फैक्टर वहाँ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। बाकी कमी जंगली जो है ये लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करेगा। CO2 लिमिटिंग फैक्टर का काम करता। अब आता है कि CO2 कब लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करेगा? क्या हमेशा CO2 लिमिटिंग फैक्टर होता है? सबसे बर्बाद यही है। नहीं, कब लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करता? एक तो CO4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। और कहाँ के लिए नहीं है? हाइड्रोफाइट जो पौधे होते हैं, जो पौधे पानी में रहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई अवस्था में लेते हैं। जैसे जो जीव पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे पानी वाले होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को घुली हुई अवस्था में लेते हैं, डिजॉल्व स्टेट। समझ रहे ना? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आती है, पानी में घुलती है, तब वो लेते हैं। तो क्योंकि पानी इतना ज़्यादा होता है, प्राण वाटर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए कम नहीं पड़ती है, क्योंकि वाटर अच्छा खासा है एनवायरनमेंट की, CO2 घुल गया उन्होंने वहाँ से ले लिया। यहाँ पर लिखेंगे C4 के लिए और इसमें सबमर्ज प्लांट्स, यहाँ एक्सेप्ट लिखेंगे एक्सेप्ट। जलकुंभी जो है वो सबमर्ज प्लांट नहीं है। जलकुंभी में C4 जो CO कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा, क्योंकि पानी की सतह पर वो तैरता है। पानी के अंदर डूबा हुआ पौधे का नाम है हाइड्रिला वैलिसेरिया। अपने चैप्टर नंबर जो प्लांट 12th क्लास में है ना, एक चैप्टर जहाँ पर वाटर पॉलिनेशन बताया गया होगा, वहीं सबमर्ज के एग्जाम्पल है हाइड्रिला हो गया और वैलिसेरिया हो गया, और टैबलेट भी कौन सी हाइड्रिला जा नहीं रहे होंगे सबमर्ज प्लांट के पास, ठीक। तो ये हो गया इधर ना। लास्ट फैक्टर कौन सा है? वाटर।
तो सबसे अंतिम फैक्टर बचा वाटर। वाटर में सीधे ध्यान रखना आपको, वाटर कभी डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, समझ रहे हैं लाइन? वाटर वाटर के रूप में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता, ये लाइन लिखी गई है, वाटर वाटर के रूप में नहीं, ठीक है। वाटर जैसे होता है, मान लीजिए एक कोई प्रोसेस है, ये एक फैक्टर है ए, ठीक है, और ये कोई प्रोसेस चल रहा है, रिएक्शन चल रही है, ए से बी को रिएक्शन चल रहा है, अगर ए डायरेक्टली इस रिएक्शन को प्रभावित कर सकता है, और एक तरीका ये है कि ए बी को अफेक्ट करे और बी इस रिएक्शन को प्रभावित करे, तो आप कहेंगे ए इस रिएक्शन को अफेक्ट तो कर रहा है लेकिन वो बी का सहारा ले रहा है। वाटर वाटर के रूप में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता। तो स्लाइड पे देख लीजिएगा, वाटर डज नॉट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली, अफेक्ट फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द पानी की कमी हो जाएगी मिट्टी में तो पौधों की पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाएगा। मुरझा जाने से क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाएगा, पता है ना, विल्टिंग से सरफेस एरिया घटेगा। जब तो सरफेस एरिया घट जाएगा, लीफ ऐसे हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा भाई? लीफ तो छोटी होगी, हमने कहा लीफ बड़ी होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस, लाइट ज्यादा पड़ेगा, लीफ कैसे हो गया, लाइट कहाँ मिलेगा उसको? तो पहला क्या है इसमें, विल्टिंग। अगर वाटर जो है कम होगा तो समस्या आएगी विल्टिंग में, और विल्टिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपको पता है सरफेस एरिया घटने से क्या समस्या आएगी? दूसरा क्या होगा, वाटर घटने से और समस्या क्या आती है, स्ट्रोमेटा क्लोज होने लगते हैं, स्ट्रोमेटा क्लोज होने लगते हैं, बंद हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा। और तीसरा है एंजाइम नॉट वर्क प्रॉपरली, एंजाइम काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम काम तब करते हैं जब वाटर, सारी रिएक्शंस को एंजाइम चाहिए और एंजाइम के लिए वाटर नेसेसरी। ये चैप्टर हो गया फिनिश, कुछ क्वेश्चन पूछना हो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, या कुछ क्वेश्चन लाइए हम बता दें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, 15 मिनट टाइम है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूस लाइट में होता है ज़्यादा या इंटरमिटेंट लाइट में? लाइट रुक रुक करके आ रही है तो फूड ज्यादा बनेगा, या लाइट लगातार आ रही है तो फूड ज्यादा बनेगा? बस मैंने पिछली बार बताया भी था इस क्वेश्चन को, अगर लाइट दिन में लाइट आया, बादल आ गया, फिर लाइट आई, फिर बादल आ गया, ऐसे फूड ज्यादा बनेगा कि लगातार दिन भर लाइट आ रही है, बादल हुआ ही नहीं है उस केस में? लाइट जब रुक रुक करके आती है तो फूड ज्यादा बनता है, कारण समझ रहे हैं ना, इसका कारण समझ रहे हैं? देखिए सेम वही समझिए, आप खाना लगातार खाए जा रहे हैं तब आपका पेट सही रहेगा, खाना खाया थोड़ा स्टॉप ले लिया, फिर खाना खाया फिर स्टॉप ले लिया, तब सही रहेगा ना, तो कैसे वो समझ लेंगे? आपको पता है लाइट में जो फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट रिएक्शन चलता है, डार्क रिएक्शन, मान लीजिए लगातार लाइट आ रही है, दिन भर लाइट आया, बीच में कभी बादल नहीं था, उस केस में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगा, खाना उतना ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन को जानते बताइए, लाइट रिएक्शन फास्ट चलता है कि डार्क रिएक्शन फास्ट चलता है, इसमें से कौन सी फास्ट चलती है? लाइट बहुत तेज चलती है, डार्क रिएक्शन बड़ी रिएक्शन है, धीरे धीरे कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन है ना, सीफोर्ड साइकिल क्या है, डार्क धीरे धीरे चलती है, तो लाइट रिएक्शन है बहुत तेज तेज चले, देखिएगा, क्योंकि जब तक लाइट रहेगा दिन भर तब तक लाइट रिएक्शन अपनी स्पीड से चलता चला जाएगा, लेकिन डार्क रिएक्शन उसको उसका साथ नहीं दे पाता, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्लो चलती है,
धीरे धीरे। तो जिस स्पीड से लाइट डायरेक्शन में एटीपी और एनएडीपीएस जो बनता है कि नहीं बनता, ये तो बनता है, ये जिस स्पीड से बनेंगे उस स्पीड से और डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन स्लो चलती है ना, धीरे धीरे चलेगा। इसमें होता क्या, ये जो बनेगा लाइट डायरेक्शन में ही इसमें घुस होगा, ये तो बहुत ज्यादा बन जाता है, उस स्पीड से डायरेक्शन नहीं चलती है, इसलिए ये प्रोडक्ट डायरेक्शन में उस स्पीड से यूज नहीं हो पाता, समझ रहे ना। जैसे मान लो कंपनी है, सामान बनाया जा रहा है, आप खा रहे हैं उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं पड़ा रहेगा रास्ते में, ट्रक में खड़ा रहेगा, कहीं सप्लाई हो रही है तो उसका कंजम्पशन भी तो होना चाहिए, इतना अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन स्लो है, फूड ज़्यादा नहीं बनेगा। अब दूसरा केस समझिए, जब लाइट ऊपर के आती है, लाइट आया थोड़ी देर, फिर क्या हो गया, डार्क हो गया, फिर लाइट आया, फिर क्या हो गया, डार्क का मतलब बादल हो गया, इस केस में फूड ज़्यादा बन गया, क्योंकि जितना देर तक लाइट पड़ा उतनी देर तक एटीपी और एनएडीपीएस बनेगा ही, जब और डायरेक्शन भी तो चलेगा, लाइट जब पड़ती है तो लाइट भी चलती है और डार्क, लेकिन जैसे ही क्लाउड आ जाएगा गैप, तो लाइट डायरेक्शन अब बंद हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, और डार्क डायरेक्शन तो चलेगा क्योंकि अंधेरे में भी चलता है और दिन में, तो डार्क डायरेक्शन को समय मिल गया उसको यूज करने के लिए, गैप मिल गया क्योंकि उस समय इतनी देर तक लाइट डायरेक्शन स्लो हो गई, डार्क डायरेक्शन को समय मिलेगा इस डार्क में क्या ये सब यूज कर लेंगे, ध्यान रखना, समझ रहे चीज। और बताइए तब, ठीक तो है ही है, और कुछ पूछना है, हाँ कुछ नहीं पूछना है तब, आगे वाला चैप्टर का कुछ बेसिक बता दें, हाँ हाँ बताइए, जो साइकिल हुआ था जिसमें इंजन कहाँ कहाँ लगा था, एटीपी एनएडीपीएस को कहाँ लिखा बना, वो वाला केल्विन साइकिल, वो साइकिल एक बार फिर से ड्रा करके, केल्विन साइकिल एक ही साइकिल में C3 C4 दोनों इसे बताने के लिए, C3 साइकिल अलग है, C4 जब चलती है तो C4 को समझाया जाता, C3 अंदर बीच में सी आती है, लेकिन चूंकि C3 वही वाली C3 है, वही वाली C3 है ना, कौन सी बताएं आपको, C3 साइकिल C3 बताइए, उसके बाद C4 और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बताइए कि कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो फिर वो पूरा चैप्टर आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो वो अलग कह रहे हैं, जेड स्कीम में आ जाता है, लेकिन सर PS1 और PS2 रहता है, PS1 पहले और PS2 680 और 700 सब बता रहे हैं, देखिए वो सर साइकिल एक ही बार ड्रा करके यहाँ से और एक ही बार में 10 मिनट बिल्कुल एक बार माइंड मैप हो जाएगा। फोटोफास्फोरेशन का मतलब क्या होता है, फोटोफास्फोरेशन इसका मीनिंग बताइए, हाँ और फास्फोरेशन का मतलब एटीपी का बनना, तीन तरीके से एटीपी बनती है, लाइट में बनती है एटीपी, और क्या बनती है, श्वसन में एटीपी बनती है, श्वसन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, ठीक है, रेस्पिरेशन में एटीपी बनती है, और एटीपी किससे बनती है, तीन प्रोसेस है, एक है फोटोफास्फोरेशन, एक है ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन, एक है सल्फेट, इस वन में आ जाती हूँ जी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे बनती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी कैसे बनती है, देखिए दो तरीके के फोटो सिस्टम है, पीएस सेकंड होता है और पीएस वन, कहाँ लगा होता है सबको पता है, ठीक है, जिसको P7 बोलते हैं और ये P685 मतलब समझ में आता है, लाइट दोनों पर पड़ती है, इस पर भी लाइट आएगा और इस पर भी लाइट आएगा, जब लाइट पड़ेगा तो इसमें फोटो सिस्टम में अंदर क्या बैठा है, क्लोरोफिल, इनसाइड क्या है, क्लोरोफिल ए है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, PO5 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी है फोटो सेकंड का, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, पैरेड ऑप्शन पर FPS आयरन सल्फर प्रोटीन, यही है ना जी, यही है ना, ठीक, PO5 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोफिनोन पड़ जाएगा, ठीक, प्लास्टोफिनोन से जहाँ जाएगा साइटोक्रोम भी साइटोक्रोम या एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, इसमें साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F दोनों साथ में, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन पड़ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ चला जाएगा,
मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था वो इसको दे दिया था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। कमी कहाँ से पूरा हुआ? पीछे से आ रहे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से पूरी होगी? जहाँ वाटर फूटेगा है इसको क्या बनेगा? 2s++2, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे। जो इसने इलेक्ट्रॉन फेंका था इसको मिल जाएगा, इसने जो इलेक्ट्रॉन फेंका था वो पीछे से आ गया, मिल गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? FdS इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Fd पैरेड ऑप्शन। मास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Na(Ad+) वहाँ बनेगा इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको चाहिए क्या? चाहिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ रहे हैं, हाइड्रोजन ये कहाँ से लिया जाता है? स्ट्रोमा से लिया जाता है, ये हाइड्रोजन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन वाला नहीं जाएगा, ह्यूमन में रहेगा। अगर लाइट की वेवलेंथ 680 के ऊपर 681 लाइट की वेवलेंथ हो गया तो ये वाला काम नहीं करेगा, तब क्या होगा? ये काम करेगा। लाइट आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से वापस कहाँ जाएगा? ये समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कोई बताएगा? क्यों नहीं जाएगा? अगर लाइट तेज हो गया तो वहाँ नहीं जाता है, साइक्लिक करने की जरूरत क्या है? इलेक्ट्रॉन सर्किट है ये, पीएस इलेक्ट्रॉन जो साइक्लोफोन बेसिक से देता है। क्योंकि देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास जाएगा, यहाँ से इसके पास, ठीक है। हाई वेवलेंथ पर एटीपी तो बनेगा, केवल क्या बनेगा इसमें? बनता है एटीपी, बता आपने ये पूछ रहे हैं ना, क्या बनता है यहाँ पर? आईपी। अगर नॉन साइक्लिक चल रहा तब भी एटीपी बनेगा, साइक्लिक हो गया तब भी एटीपी बनेगा। साइक्लिक में क्या नहीं बनता है? ये नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई कुछ क्या रहा है क्या बताइए? डबल कार्बोक्सिलेशन होता है सी फोर साइकिल में, दो जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है। ऊपर वाली सेल का नाम क्या होता है? दो सेल होती है ना, ऊपर वाली मीजोफिल, नीचे वाली बंडल सी होती है ना। एक बार जब CO2 बाहर से आती है तो मीजोफिल में ऊपर वाली सेल में क्या होता है? PEP होता है ना। डायग्राम देख लीजिए, CO3 माइनस। अब ये CO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। क्या बनेगा? ऑक्सीजन एसिटिक एसिड। यही कार्बोक्सिलेशन, यही क्या है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा कहाँ होगा? ये किसमें कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में बदलता है, इसी में बदलता है, इसी वजह से मैलिक एसिड यहाँ से यहाँ आता है। दिखा गया ट्रांसपोर्ट होगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से क्या बनेगा? पाइरूविक एसिड। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा यहाँ, देख रहे हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या चलेगा? कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल में इसको कौन पकड़ेगा? RuBb पकड़ेगा। दूसरा कार्बोक्सिलेशन, पहला कार्बोक्सिलेशन ये है, दूसरा ये है, C3 भी हो जाएगा, ठीक है। ये दो बार कार्बोक्सिलेशन होता है C4 साइकिल में। ये सर CO2 और BPA C3 का पार्ट है। हाँ, C4 प्लांट में C3 साइकिल चलती है। अब समझ में आया? और कुछ पूछना है? और कोई समस्या हो बताइए। कैंप पाथवे सिलेबस में नहीं, जितना है हमने आपको बता दिया, जितनी जरूरत है उतना हम आपको बता दिए।
और किसी को पूछना है? जोर से बोलिए, ये तो वैसे बाहर की आवाज इतनी तेज आ रही है कि आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती। हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन लाइए, दो चार क्वेश्चन ही करा दें, पाँच मिनट दस मिनट जब तक सर नहीं आ रहे हैं। बुक लाए हैं बताइए। वो तो मैंने ग्रुप में भेजा था। हाँ हाँ, वो हाँ, इस टॉपिक का देखते हैं, जो टॉपिक में लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन इसी टॉपिक से है, बता रहे हैं आपको। देखिए फैक्टर्स वाले से क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान सुनिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, जो मैंने बताया क्वेश्चन, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर, तो लाइट के ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट CO2 कंपनसेशन पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट जानते हैं क्या है? CO2 कंपनसेशन पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? तो C3 प्लांट का ज़्यादा होता है, C4 का कम है, C4 को कम CO2 पर भी क्या है उसका काम चल जाता है, समझ रहे हैं ना, C3 का हाई होता है। सोलराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, बोल रहा है सोलराइजेशन क्या होता है, बता सकते हैं सोलराइजेशन? धूप में क्लोरोफिल का खराब होना सोलराइजेशन है, ठीक है, सोलर का मतलब ही होता है सनलाइट। तो ऑप्शन लिखा है सुगर आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, धूप से सुगर का बनना, ग्लूकोज का बनना सोलराइजेशन है, जो तो फोटोसिंथेसिस होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड, क्या क्लोरोफिल बनता है सोलराइजेशन में? नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का खराब होना यही सही है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल सोलराइजेशन होता है, और मोबिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का मोबिलाइजेशन होना, लाइट एनर्जी का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये सोलराइजेशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक और बता दीजिए, अगर फूड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है बॉडी में, खाना ज़्यादा बन गया है, तो क्या होगा? इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, दूसरा है डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, घट जाएगा, तीसरा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगला है मे इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
सर जी क्वेश्चन।